हेलो फ्रेंड, वेलकम इन ओम नर्सिंग एकेडमी। मैं अनिल कांटीवाल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का अपना टॉपिक है डिल्यूजन। डिल्यूजन मैंने ये साइकेट्रिक से एक टॉपिक चुना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। बात करता हूँ मैं इसके इंट्रोडक्शन की। डिल्यूजन ये एक थिंकिंग डिसऑर्डर है। किसी भी पर्सन की उसकी सोच है, उसकी थिंकिंग है, उसका डिसऑर्डर है। तो मैं बात करता हूँ इसमें होता क्या है। डिल्यूजन ये क्या है? फॉल्स बट फिक्स आइडियाज़। ये गलत और फिक्स यानी जो परमानेंट आइडियाज़ है, सोच है, वो रहती है किसी इंसान की, जो किसी भी तर्क वितर्क से सही नहीं की जा सकती। ठीक है, इसमें डेफिनेशन मैंने देखी है। डिल्यूजन्स आर फॉल्स बट फिक्स आइडियाज़ दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड बाई आर्ग्यूमेंट्स। मतलब कि डिल्यूजन किसे कहते हैं? किसी भी इंसान के मन में एक ऐसा विचार आएगा जो गलत है और वो फिक्स रहता है। हम उसको तर्क वितर्क से, हम उसे बातों से उस इंसान के विचार को नहीं बदल सकते। वही क्या है? डिल्यूजन। जैसे मैं आपको आगे उदाहरण दूंगा, आप उससे समझ जाओगे कि डिल्यूजन है क्या। अब मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ डिल्यूजन, डिल्यूजन के टाइप्स की। जो फर्स्ट टाइप है वो है डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, इसमें जो भी इंसान है, जो भी पर्सन है, वो अपने आप को मान समझने लगता है। ग्रेट, अपने आप को मान समझने लगता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बात की थी? फॉल्स बट फिक्स आइडियाज़। वो अपने आप को मान समझने लगता है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो वो मान है नहीं, लेकिन वो समझता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें पर्सन है वो ऐसा सोचता है कि वो एक पावरफुल पर्सन है, ताकतवर या प्रसिद्ध इंसान है, जो कुछ भी कर सकता है। डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में कोई भी इंसान है, उसको ऐसे लगता है कि वो एक बहुत बड़ा ताकतवर इंसान है, प्रसिद्ध व्यक्ति है, जो कुछ भी कर सकता है। उदाहरण के तौर पे जो मेनिया के पेशेंट होते हैं, वो डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी में आते हैं कि वो ये सोचते हैं कि मैं तो कहीं का राजा हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, या फिर मैं कोई हीरो हूँ। ये कौन सोचता है? जो मेनिया का पेशेंट है। इस थिंकिंग को क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, क्योंकि वो बोलता है कि मैं कोई राजा हूँ या मैं कहीं का प्रधानमंत्री हूँ। ठीक है, लेकिन अगर रियली में देखें तो वो कहीं का कोई भी प्रधानमंत्री नहीं है। हम उसको बोलेंगे कि तुम कहीं के कोई प्रधानमंत्री नहीं हो, तो वो बोलेगा नहीं, मैं तो हूँ। ठीक है, तो ये क्या हुआ? फॉल्स एंड फिक्स आइडियाज़, जो आर्ग्यूमेंट के द्वारा भी सही नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये क्या था? डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। नेक्स्ट में देखिए, सेकेंड डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन में पर्सन की क्या आदत रहती है कि उसे शक करने की आदत रहती है। प्रोसिक्यूशन यानी शक करने की आदत। इसमें इस टाइप के पेशेंट में वो क्या सोचता है कि पेशेंट की जो उसके फैमिली मेम्बर है, उसके रिलेटिव हैं, उसके पड़ोसी हैं, वो उसे मारना चाहते हैं। ठीक है, वो शक करता रहता है कि ये मेरे परिवार वाले हैं ना, मेरे को मारना चाहते हैं, मेरे पड़ोसी मेरे को मारना चाहते हैं। ये या तो वो साजिश रच रहे हैं मेरे को मारने की, या मेरे को कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये शक करने की आदत रहती है, इसे क्या कहते हैं? डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। जो पैरानॉइड सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट है, उनमें डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन देखा जाता है। ठीक है, ये था डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, इसमें जो भी कोई भी पेशेंट है, उसको ये विश्वास रहता है कि हर कोई उसी की बातें करता है। ठीक है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस लेना, यानी सब मेरी बातें कर रहे हैं। अब यानी कोई पेशेंट है, वो वार्ड में है, तो वो लेटा हुआ है, तो वो कभी नर्स को देखता है, कभी डॉक्टर को देखता है, अदर वार्ड मेंबर को देखता है, तो ये सोचता है कि ये सभी है ना, जो भी बातें करते हैं वो मेरी बातें करते हैं। ठीक है, उसके मन में एक गलत धारणा है, उसकी ये सोच गलत है, लेकिन एक्चुअल में देखें तो कोई उसकी बात नहीं करता, लेकिन ये उसकी सोच है कि ये मेरी बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। सब मेरी बात करते हैं, लेकिन रियल में कोई नहीं करता, बस ये उसकी थिंकिंग है। तो ये क्या है? थिंकिंग डिसऑर्डर है, डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डिल्यूजन ऑफ गिल्ट। गिल्ट, गिल्ट से आपको पता चल जाता है, गिल्ट का मतलब होता है शर्मिंदगी महसूस करना, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करना। इसमें जो भी पेशेंट है, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है। उसको ये लगता है कि मैं कोई भी काम किया है, या मैंने जो काम किया है वो एक तरह का पाप है, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उससे क्या करता है? शर्मिंदगी महसूस करता है।
उदाहरण के तौर पे हम देखें जो डिप्रेशन के पेशेंट हैं उनमें कॉमन है, ठीक है। कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट है वो शर्मिंदगी महसूस करता रहता है, और अगर कोई भी पर्सन है उसका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन है, यानी एक शादी हुई हुई है लेकिन फिर भी उसका किसी और के साथ रिलेशन है, तो वो ये सोचता है कि ये तो पाप है, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है, इससे वो अपने आप को क्या यानी गिल्ट महसूस करता है। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ गिल्ट, जो डिप्रेशन के पेशेंट में देखा जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर पे देखिए, डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। इस डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल वर्ड पे जाइए, कंट्रोल यानी कोई मुझे अपने वश में करना चाहता है। इसमें पेशेंट को ये बिलीव रहता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई देवीय शक्ति, कोई भूत प्रेत या कोई भी उसको या उसके माइंड को कंट्रोल कर रहा है। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक्चुअल में उसे कोई कंट्रोल नहीं करता, लेकिन ये उस पर्सन की, उस पेशेंट की थिंकिंग रहती है, उसकी सोच रहती है कि उसे कोई ना कोई उसके जो दिमाग है उसको कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल। नेक्स्ट है डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। निहिलिज्म इसका इसमें क्या है कि सब नौशवान है, सब नश्वर है। इसमें जो भी पेशेंट है वो क्या सोचता है कि यहाँ पे इस धरती पे किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं है, सब नश्वर है, सब नाशवान है, किसी चीज़ का कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ निहिलिज्म। अब नेक्स्ट में बात करूँ डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस एंड पॉवर्टी। डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस एंड पॉवर्टी, इसमें पेशेंट क्या सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। इसमें पेशेंट को अपने मन में ये विश्वास रहता है कि वह इस संसार में यूजलेस और वर्थलेस प्राणी है, यानी इसमें व्यक्ति ऐसे सोचता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ इस संसार में, मैं सिर्फ यूजलेस हूँ और वर्थलेस प्राणी हूँ। ये क्या है? डिल्यूजन ऑफ वर्थलेस एंड डिल्यूजन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। ये था डिल्यूजन के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल का आइकन है उसको दबाइए, जिसमें आपको नर्सिंग के नोट्स, नर्सिंग की जितनी अपडेट है और वीडियोज़ हैं वो ला के देता रहूँगा। थैंक यू।